हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू वंस अगेन. वन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट. माय अर्चना शर्मा. कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे, अपने घर पे होंगे. ठीक है, मेरा कोर्स टू का सीरीज चल रहा था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कोर्स टू बीएड फर्स्ट ईयर. ठीक है, बीएड डीडी क्लासेस में कोर्स टू कंटिन्यू कर रहे थे. बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं उसमें. यूनिट फोर्थ के काफ़ी टॉपिक हो गए हैं और यूनिट थर्ड में भी देख लीजिएगा आप. ठीक है, और यूनिट फोर्थ का टॉपिक में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसी को कंटिन्यू करना है. तो हमारा जो आज का टॉपिक है, लिबरलाइजेशन या लिबरलाइजेशन, आप जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं कर सकते हैं. हिंदी में इसको उदारीकरण बोलते हैं. ठीक है, और ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आता है और आपको पता होना चाहिए. लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है. जैसे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, इन द लिबरलाइजेशन, यानी कि मतलब उदारीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है और शिक्षा है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में अगर उदारीकरण की बात करेंगे. बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन. इस चीज को आप याद रखिएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं कि लिबरलाइजेशन है क्या, आपको पता है इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या और है क्या लिबरलाइजेशन. ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब सीधा मतलब है उदारीकरण, और उदार का मतलब आपको पता ही है कि बहुत सॉफ्ट. हम लोग बोलते हैं ना कि हम अपने नेचर को लाइबरल करेंगे. ठीक है, मतलब विनम्र बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, या कुछ रिलैक्सेशन टाइप की टर्म से मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी से भी मतलब है कि रिजिड नहीं होगा, है ना. उदारीकरण का मतलब है कि चीज़ों को स्मूथली हैंडल आउट लेके कर चलना है, स्मूथली उसको हैंडल भी करना है, चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे हमारा कोई रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, उसको बहुत हार्ड एंड फिक्स नहीं करना होता है, हार्ड और रिजिड नहीं करना होता है. और कोई भी रूल से रेगुलेशन इतना हार्ड एंड फिक्स नहीं बनाना चाहिए कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो या खुद को भी प्रॉब्लम हो. तो हमें जो अपनी लाइफ सर्वाइव करानी है वो लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे सर्वाइव करानी है, यानी कि हमें उदारीकरण की फीलिंग या भावना रखनी है. नाउ वी कम टू द लिबरलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो इंट्रोडक्शन, मैंने आपको उदारीकरण का मीनिंग तो बता ही दिया है कि मतलब क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे. अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम, द इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो विटनेस्ड सिग्निफिकेंट पब्लिकली शिफ्ट इन द बिगनिंग ऑफ द 90s. ठीक है, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक है, और ये रिफॉर्म किया गया था कि जो हमारा लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, पर्टिकुलर एक एलपीजी का मॉडल बनाया गया था. हम इसको एलपीजी मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है, एलपीजी, L goes for the liberalization, P goes for the privatization and G goes for the globalization. LPG, तो LPG क्लियर हो गया होगा. ये तीनों टर्म एक साथ ही निकल कर आते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि उस वक्त भारत की जो इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी थी वो बहुत ही खराब थी. खराब इन द सेंस कि इकोनॉमिक वाइज इंडिया बहुत ही ग्रोथ नहीं कर रहा था, काफ़ी पुअर हो गया था अदर कंट्री की कंपैरिजन में. तो तभी उस समय अगर हम देखा जाए तो उस समय जो हमारे पीएम थे हमारी कंट्री के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एलपीजी के कॉन्सेप्ट को लाने में. उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी कि इकोनॉमिक तौर पर अगर हमको बेटर एंड बेस्ट बनना है, अपनी स्थिति को थोड़ा सुधार करना है, तो हमें एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला पढ़ते हैं हम लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, हमारी जो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे. रिलैक्सेशन इन द सेंस कि जो कंट्रोल है उसका, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, उसको थोड़ा सा वो हटा ले. ठीक है, एक तरीके से मतलब एलिमिनेट कर ले या रिमूव कर ले गवर्नमेंट का जितना भी मतलब कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब क्या है लिबरलाइजेशन का. समझ रहे हैं आप, जो रिफॉर्म्स बने थे हमारे 90s में, तो उस समय देखा जाए तो टोटल कंट्रोल किसका होता था, हमारे गवर्नमेंट का होता था. गवर्नमेंट जैसी भी चाहे अपने कंपनी को चलाती थी, अपने इकोनॉमिक सेक्टर को मतलब ग्रोथ कराती थी. तो उस समय कंडीशन बहुत खराब थी, तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक रास्ता निकाला था कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना चाहते हैं तो कुछ हद तक अपने हाथ को पीछे खींचना पड़ेगा और चीज़ों को थोड़ा सा लाइबरल करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ेगा, जिससे क्या हो, फॉरेन कैंपस भी हमारे इंडिया में आए, यानी कि फॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए, चीज़ें भी मतलब मान लीजिए एक दूसरे से कम्युनिकेट होंगे तो उसकी जो मतलब बिजनेस होगा या व्यापार होगा या ट्रेड होगा, उसके माध्यम से फाइनेंशियल चीज़ें जब फाइनेंशियल क्राइसिस है वो खत्म होगी. तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था. और यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
उस पे जो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है उस कंट्रोल को हटा लेना या एलिमिनेट कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन देखा जाए तो ये फ्रीडम टू बिजनेस के लिए था, वो एंटरप्राइजेस के लिए था, और किसी भी तरीके का ऐसा कंट्रोल जिसपे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था उसको खत्म करने से मतलब है यहाँ पे। तो दे आर गिवेन टू द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन, तो गवर्नमेंट ने इस चीज से फ्री कर दिया था प्राइवेट सेक्टर को कि आप अपनी डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है, और उस डिसीजन को लेके प्रोडक्शन से रिलेटेड आप अपना अच्छा प्रोडक्शन कीजिए, अपना अच्छा कंज्यूम कीजिए। मार्केटिंग की बात की थी वहाँ पे, बोरोइंग की बात की थी, तो उसमें बहुत सारे बिजनेस भी आ गए, बहुत सारे मार्केट भी आ गए, इन्वेस्टमेंट्स आ गए बहुत सारे, है ना, इन्वेस्टर्स भी आ गए, लैंडिंग इश्यूज सॉल्व होने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जब कंपनियां मतलब आ गई प्राइवेट सेक्टर में, उनका अपना ओनरशिप आ गया, तो ओनरशिप होने से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, है ना, बेनिफिट्स हो गए हैं। तो इंडिया को पता चला, हमारी गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ इन सब चीज़ों का बहुत बेनिफिट है, तो उन्होंने 90s के बाद में जितने भी इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी जो 1991 में, उसके तहत बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया था उन्होंने, जिससे लोगों का भी भला हुआ और सोसाइटी को भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, लोगों का पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हुआ, और भारत का तो जो इकोनॉमिक रेट सुधरा वो सुधरा। तो लिबरलाइजेशन का सिर्फ इतना सा मीनिंग था, सिंपल सा, ठीक। तो लिबरलाइजेशन ऑटोमेटिक रिजेंबल है प्राइवेटाइजेशन से और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन से। तो हमने मीनिंग क्लियर किया लिबरलाइजेशन का। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट में बस हम इतना ही देखेंगे कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी 1991 में, वही एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। हमारे एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द इंडियन इकोनॉमी इन 90s, यानी कि 1990 में इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडियन इकोनॉमिक्स। और इसका एक और इसको इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारी जो सर्विस थी वो बहुत क्राइसिस में चल रही थी, बहुत नुकसान में चल रही थी, कहीं से कुछ भी प्रॉफिट होता दिखाई नहीं दे पा रहा था, कंडीशन ऐसी खराब हो गई थी कि इंडिया को फॉरेन कंट्रीज से लोन तक लेना पड़ा था, ठीक है। फिर उस लोन को लेने के साथ फॉरेन कंट्री, जाहिर सी बात है कि लोन कोई ऐसे तो दे नहीं देगा, बहुत सारे कंडीशंस रखेगा, बहुत सारी बेट्स रखेगा, शर्तें लगाएगा। तो उस समय वो शर्त लगाई गई थी कि फॉरेन कैंपस भी इंडिया में आकर बिजनेस करे, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया कि बहुत सारे बिजनेस के रूल्स को चेंज कर दिया, जो चीज़ें उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी वो कुछ हद तक प्राइवेट हाथों में दी, ठीक है, और जो रिजिड लॉज बने थे कि हम केवल अपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों में कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे खत्म किया, तो कंट्री की थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिला और इंडिया समझ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें एलपीजी फॉलो ही करनी है। डिक्लाइन इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग नेशनल इनकम एंड द इंडस्ट्रियल, जाहिर सी बात है जब देखिए फॉरेन कैंपस हमारे इंडिया में आएगा या फॉरेन कंट्री हमारे ट्रेड में इंटरेस्टेड होगी, तो जाहिर सी बात है हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा और इनकम भी होगी, नेशनल इनकम भी बहुत ग्रोथ करेगी। द गवर्नमेंट हैड टू सीक एन एड फ्रॉम द IMF टू रिजॉल्व विद द, और इस चीज को उन्होंने सॉल्व करने के लिए आपको पता था कि म्यूचुअल फंड लिया था, इन्वेस्टमेंट किया था, ये सारी चीजें थी जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दैट इज वेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू द इंट्रोड्यूस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई 1991 में, और लिबरलाइजेशन टू द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण को प्रस्तुत किया, उदारीकरण को। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट केवल यहाँ पे एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम हो गया, गवर्नमेंट का केवल उतना कंट्रोल रहेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यानी कि किसी ओनर ने, किसी बंदे ने अपनी कोई पर्टिकुलर कंपनी खोली तो उसकी ओनरशिप उसी के पास रहेगी, उसका प्रोडक्शन, उसका कंजप्शन, वो सारी चीजें वही देखेगा, बस गवर्नमेंट उसका प्रॉफिट और लॉस देखेगी कि उससे क्या बेटरमेंट हो रहा है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। तो उसी में एक वर्ड आता है प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म बिल्कुल अलग हो गया, प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा हस्तक्षेप गवर्नमेंट का रहेगा, बट जो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद जिसको हम कह सकते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, वो चुपचाप देखता रहेगा, कंपनी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए लागू हुई थी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग के पीपल रहते हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, तो ये सभी को सर्वाइव कराने के लिए और सारी चीजों को, देखिए अपर क्लास को तो हर फैसिलिटी मिल जाती है, मिडिल क्लास स्ट्रगल करता रहता है, पर लोअर क्लास हर चीज से वंचित रहता है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, है ना।
तो ये बिल्कुल डिसएडवांटेज सेक्शन है, तो इन सब चीजों को, हितों को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। तो उन लोगों ने हेल्थ को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कुछ हद तक एजुकेशन को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, जिससे क्या हुआ, हेल्थ की रिलेटेड मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह भी खुल गए हैं, एंड एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, शिक्षा को निजीकरण हाथों में दे दिया है, निजीकरण कर दिया है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं। अब मीनिंग भी क्लियर करते हैं, मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया, वो मीनिंग भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। उस समय बहुत सारी हरित क्रांति भी आई थी, तो हरित क्रांति के जरिए भी भारत ने बहुत कुछ अडॉप्ट किया था। तो लिबरलाइजेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, आपको पता है कि ये छोटा मोटा टर्म नहीं है, ठीक। फीवर गवर्नमेंट रेगुलेशन, उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट केवल कुछ एक्टिविटी को ही रेगुलेट करती थी, बाकी जो उनकी रिस्ट्रिक्शन थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में उसको अपने आप से हटा लिया था और केवल एक पार्टिसिपेंट की तरह थी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन था, ठीक है, इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन मीन्स द इलिमिनेशन ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक, जितनी भी एक्टिविटी थी वो सारी एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था और उसने गवर्नमेंट ने अपनी चीजों को एलिमिनेट कर लिया था। नेक्स्ट, अपनी पावर को इवन कह सकते हैं आप, इट इम्प्लाइज द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस, और ये बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं मोनोपोली या ऑटोनॉमी सिस्टम हो गया था बिजनेस इंटरप्राइजेस को लेकर, कि जो ओनर है बिजनेस करने वाले, जिन्होंने अपनी कंपनी डाल रखी है, जिन्होंने कंपनी चला रखी है या जिन्होंने परचेज कर ली है या बनाई है, तो वो अपने आप से डिसीजन ले कि हमें किस टाइप के वर्कर रखने हैं और किस टाइप की चीजों को लाकर अपनी कंपनी को ग्रो कराना है, ठीक है। हर चीज लेकर मतलब एक नॉर्म बनाकर उसको स्टार्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हुआ इसमें। व्हेन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड, इट मींस इट हैज रिमूव द ट्रैफिक सब्साइड, मतलब अपना ट्रैफिक भी खत्म कर लिया, सब्सिडी भी खत्म कर ली, कि जो बहुत सारी टैक्सेस लगा देती थी इंडिया और बहुत सारे मतलब रूल्स लगा देती थी कि हाँ ये चीज बाहर वाले नहीं आ सकते हैं और हमारे इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इस तरह की चीजें उन्होंने बना रखी थी, बैन लगा रखा था जिसके तहत बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था, तो लोग मतलब डरते थे क्योंकि उतना कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको अपनी कंट्री में रहना ही था। तो ये सारी चीजें भी खत्म हुई धीरे धीरे, रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ और जो माल था या सर्विसेज थी हमारी कंट्री से मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आने लगी, तो हमारा बिजनेस ट्रेंड भी काफी बढ़ गया। लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द फ्रीडम टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस, उसने उदारीकरण ने क्या कर दिया कि बिजनेस के क्षेत्र में या इकोनॉमी के क्षेत्र में बिल्कुल भी एक उदारीकरण की फीलिंग आ गई, जिसमें गवर्नमेंट जो एक्सेसिव कंट्रोल रख रही थी उस चीज को खत्म किया, और खत्म करने से क्या हुआ कि ऑनर लोगों ने अपने आप डिसीजन लेना शुरू किया अपने प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, अपने कंजम्पशन के रिगार्डिंग, चाहे उनको अपने जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं या जो गुड्स वो दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या प्राइस रखना है, कितना रखना है, ये सारी चीज़ें एमआरपी वगैरह, वो जो कंपनी के ऑनर थे वो खुद डिसाइड करने लगे, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको बोरोइंग कैसे करनी है चीज़ों को, फिर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए वो खुद से डिसीजन लेने लगे। लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट वाला जब आ गया हमारे भारत में, एडवांटेज क्या हुआ, देखो एडवांटेज तो बहुत सारा हुआ और इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुआ हमारा। एक तरीके से देखा जाए तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो घिसे पिटे रिजिड रूल्स रेगुलेशन बने हैं उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, थोड़ा स्मूथनेस लाया जाए, ताकि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, ऑनर हैं, ये लोग अपने आप को इन्वेस्ट करें। और जाहिर सी बात है कि जब फॉरेन का पैसा हमारे इंडिया में आएगा तो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है वो अच्छा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गवर्नमेंट में क्या होता था, चीजें इतनी बेनिफिटेड नहीं होती थी क्योंकि मतलब करप्शन इतना ज्यादा है कि जो पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं वो चीजों को इतना लाइटली लेते थे कि मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि सामने वाला अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको लाके मतलब जॉब दे दे, इस तरह की चीजें नहीं थी। तो प्राइवेट सेक्टर खुलने से बहुत सारे फायदे ये भी हुए कि जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिलने लगा, है ना, और रोजगार मिला तो उनकी अर्निंग हुई और उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी, फैमिली क्राइसिस भी कुछ हद तक क्लियर कम हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा भारत जो विदेश था, विदेशी व्यापार में काफी इंक्रीमेंट हुआ, काफी इंक्रीज भी हुआ। फिर इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक फर्म, जो हमारे घरेलू उत्पाद थे उनमें काफी इंक्रीज हुआ, उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं प्रभाविता पे बहुत फर्क पड़ा, बहुत बड़ा। राइज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक जो वृद्धि थी हमारी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कंट्रोल ऑफ प्राइस मतलब इन द सेंस कि जो वो रेट रखते थे उस रेट पे भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। जब देखे हमारे माल किसी कंपनी के मालिक को उसके प्रोडक्ट का बहुत अच्छा मतलब मान लीजिए उसकी जो वो प्रोजेक्ट दे रहा है प्रोडक्ट, तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा तो उसका जाहिर सी बात है कि प्राइस वगैरह भी अच्छा मिल रहा है तो उसको बेनिफिट ही होगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश करेगा। तो ये तो एडवांटेजेस थे।
डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में देखिए क्या हो गया था कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजेस हो गया था, लॉस टू द डोमेस्टिक यूनिट यानी कि जो घरेलू चीजें थी वो थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए क्योंकि जो फॉरेन कैंपस आ गया है तो जो हमारे घरेलू उत्पाद थे उनका नुकसान हो गया था, और वहां पे लोग काम करना पसंद नहीं करते थे तो वहां के लोग निकल जाते थे, छोटी मोटी कंपनियां जो हमारे देश में बनी थी या जो जिनका जिनका हस्तक्षेप गवर्नमेंट था, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थी, तो वो सब चीजें बंद होने लगी, ठीक है। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन नेशन, पूरी तरीके से वो लोग फॉरेन कंपनी पे डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि वहां पे अच्छा पैसा मिलता था इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को छोड़कर जाने लगे, फॉरेन में काम करने लगे, ठीक है, फॉरेन कैंपस की कंपनीज में काम करने लगे। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर, और सेक्टर्स का जो डेवलपमेंट था वो बिल्कुल अनबैलेंस्ड होता जा रहा था, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या है लिबरलाइजेशन का ऑन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा में हमारे उदारीकरण का महत्व क्या है या उसका प्रभाव क्या है। तो आपको पता है कि जब हेल्थ एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और हेल्थ को भी दे दिया, एजुकेशन को भी दे दिया, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में है यानी कि समवर्ती सूची में है। तो यानी कि जब गवर्नमेंट के हाथ में शिक्षा थी तो गवर्नमेंट इतना बेटर तो कर नहीं पाई, इतना बेस्ट नहीं दे पाई, ना तो वो शिक्षा बेस्ट दे पाई, ना तो वो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर पाई, क्यों, क्योंकि वो चीजों को हैंडल आउट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि शिक्षा को भी हम निजीकरण में देते हैं, ठीक है, शिक्षा को जब उन्होंने निजीकरण में दिया तो आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए जो अच्छी बात भी करने लगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का उसमें से इतना भी हस्तक्षेप नहीं था कि वो फीस डिसाइड करे या एक नॉर्म डिसाइड करे, बस सिंपल से नॉर्म बना दिए थे कि कौन कौन से लोग स्कूल खोल सकते हैं, कितना अमाउंट पे करके, इस तरह की चीजों को, तो स्कूल्स भी खुल गए, है ना। और स्कूल खुलने से क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को। स्टार्ट कब हुआ था, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो आर्टिकल 25 है तो उसके हिसाब से जो कंपनी के एक्ट बने थे, तो उसके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया कैन बी सेटअप ओनली बाय द ट्रस्ट। पहले क्या होते थे कि आर्टिकल जो 25 बना था तो उसके हिसाब से स्कूल, वही स्कूल सेटअप होते थे या वही स्कूल सेटअप मतलब इंस्टीट्यूट बनते थे इंडिया में, जिनको ट्रस्ट चलाती थी, जिनको सोसाइटी रन कराती थी, और जहां से जो कंपनी चैरिटेबल या दानवान में देती थी, ठीक है। तो ये उस समय का एक्ट था, लेकिन जब एलपीजी लागू हुआ तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं, आप लीजिए पावर और अपना बेटर करके दिखाइए, बेस्ट करके दिखाइए। तो प्राइवेट सेक्टर में आने से शिक्षा को बहुत प्रॉफिट हुआ, एटलीस्ट वो प्रॉफिट हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए मेरिट में नहीं आया और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो बैठा तो रहेगा नहीं साल भर, ठीक है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी इच्छा से जो भी वो कोर्स करना चाहता है अपना जाके उसने एडमिशन ले लिया और उस कोर्स को रन कर रहा है, ठीक है, भले उसको पेमेंट या फीस ज्यादा देनी पड़ी लेकिन वो अपना मनमाफी कोर्स जो करना चाहता था वो कर ले रहा था। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कॉलेज में चीजें सीटें लिमिट होती थी, तो जो भाई हाई रैंक का बच्चा आया उसका एडमिशन हो जाता था, बट और भी लोग थे, पॉपुलेशन हमारी इंडिया की आप जान रही हैं कि कितनी बड़ी है, तो सभी को पढ़ना है, सभी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो सारी चीजें नहीं हो पाती थी। लेकिन शिक्षा जब प्राइवेट सेक्टर में आई तो बहुत प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट इन द सेंस कि जो कम मेरिट वाला बच्चा है उसको भी एडमिशन मिल गया, भले उसको फीस अच्छा पे करना पड़ा लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जब उसने बहुत सारे स्कूल खोले तो हम स्कूल खोलने भाई चलाने के लिए टीचर चाहिए, तो टीचर की भी रिक्रूटमेंट होने लगे, टीचर की अच्छी इंपॉर्टेंस हो गई और कुछ लोग जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं वो बहुत अच्छा करने लगे, और टीचर का जो जब स्कूल चलाने का काम हो गया तो थोड़ा कहीं कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हुआ इंडिया में, है ना, क्योंकि उनको भी नए नए टीचर चाहिए थे अपने स्कूल को रन कराने के लिए, भले वो अपने मनमाने तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लेकिन एजुकेशन तो दे रहे हैं, ठीक है। और आज की डेट में देखिए आप कितनी तरीके से इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आ गया है, जो मतलब टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे तो इतनी फीस लूटी जाती है कि वो पूरी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली इन मार्केटिंग दे आर डूइंग द बिजनेस अबाउट द स्कूल, मतलब इतने इतने मतलब एक एक मीटर के डिस्टेंस पे इतने इतने स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, और वो बच्चों से अच्छा पैसा ले रहे हैं, पेरेंट्स से अच्छा पैसा ले रहे हैं, पेरेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राथमिक विद्यालय कहाँ ढूंढने जाए जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा ले रहा है तो क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रहा है, उसने एजुकेशन के मामले में बहुत क्वालिटी दी है, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिफाइन एंड द क्लेरिफाई द रूल्स फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप द
और उस समय बात की गई थी, तो फॉरेन कैंपस भी इंडिया में आ गया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था उसका रूल डिसाइड नहीं कर पाए थे। रूल इन द सेंस कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या फंडिंग होना चाहिए, क्या फीस होना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिफाइन नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन फॉरेन कैंपस हमारे इंडिया में आ गया था। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द readjustment and liberalization policy in the attempt to improve the deteriorating economic, but those policies had negative and the positive impact of the देखिए जो पॉलिसी आती है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव हों, निगेटिव भी होगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो अगर हम कुछ पॉजिटिव करेंगे तो उसका कुछ निगेटिविटी भी आ ही जाती है ना। कोई भी रूल या रेगुलेशन बनता है तो पूरी तरीके से सभी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता है, कुछ बंदों के लिए निगेटिव भी हो सकता है, हमारी कंट्री के लिए भी हो सकता है। तो उसका भी यही था, प्लस पॉइंट भी हुआ, निगेटिव पॉइंट भी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ग्लोबलाइजेशन का, निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। सोशल सर्विस वर हार्डेस्ट हिट बाई दीज लिबरलाइजेशन, जो सामाजिक सेवा थी या सोशल सर्विस की बात करते थे वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, कि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के कौन सोशल सर्विस करेगा भाई। जो वो लाखों करोड़ रुपए लगा रहा है अपने स्कूल में तो वो सोशल सर्विस करने के पर्पज से तो नहीं लगा रहा है भाई, वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो अपना प्रॉफिट करके ही स्कूल चलाना चाहेगा ना, तो फ्री में तो किसी को शिक्षा नहीं देगा। जो कि प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है तो गवर्नमेंट तो यही कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए इंडिया में, तो फ्री का और कंपलसरी का मतलब आप समझ रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपकी फ्री हो, आपका स्कूल बैग फ्री हो, यूनिफॉर्म फ्री हो, और जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी फ्री हो। तो अगर वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल भी ये काम करने लगेगी तो फिर वो टीचर को पेमेंट कहाँ से देगी, अपने स्कूल को रन कहाँ से कराएगी, तो सोशल सर्विस वाली बात भी खत्म हो गई। ये एक तरीके का निगेटिव इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। दिस वुड अलाउ फॉरिन यूनिवर्सिटीज टू सेटअप देयर कैंपस इंडिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में फॉरेन कैंपस को की यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया गया, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अलाउ होगी, सेटअप होगी, और बहुत आज की डेट में बहुत अच्छे से सेटअप है ना। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट जो थे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या थे। इन इंडियन इकोनॉमिक मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस इंडस्ट्रीज, बट नाउ द एजुकेशन सेक्टर बिकम लार्ज। आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, इकोनॉमिक पर्पज से भी देखा जाए तो एजुकेशन में बहुत प्रॉफिट है, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, है ना। अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं फॉरेन कैंपस ने तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां जाके पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल रही है, भले ही फीस दे के मिल रही। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी होता है ना कि जिससे जो जिनके पास पैसा है उन्होंने जाके एडमिशन ले लिया, बट जो लोअर फैमिली है, जो मिडिल फैमिली है, स्ट्रगल करती रहती है, तो उनके पास पैसा नहीं है तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक। नेक्स्ट है, आफ्टर लिबरलाइजेशन कॉन्स्टेंट फंड विल बी ऑल्सो फैसिलेट अ रिसर्च बेस्ड। और देखिए फॉरेन कैंपस आने से क्या क्या हुआ कि रिसर्च के बहुत सारे मार्ग खुल गए, यानी कि रिसर्च की ही कमी है हमारे में इंडिया में, मतलब देखा जाए तो एक शोध कार्य बहुत कम है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, फिर टीचर्स की भी कमी हो जाती है, एबल ऑफ लैक टीचर देखा जाए तो लैक ऑफ एबल टीचर्स, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी इंडियन टीचर्स जो थे एंड स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए जब फॉरेन कैंपस आया तो बहुत ब्राइट फ्यूचर आ गया कि वो शिक्षा के माध्यम से रिसर्च करें, पीएचडी हो या हायर एजुकेशन हो या एमफिल हो, इस तरह की चीज़ों को भी अपनी उसमें एजुकेशन में इम्पैक्ट करें, तो जिससे उनका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा, वो अच्छी जगह इनरोल हो जाएंगे, अच्छी जगह जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। इट विल एक्सपेंड द सप्लाई एंड द कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल एंश्योर दैट दे डू नॉट चार्ज एक्सेसिव फॉर प्रीमियम फॉर एजुकेशन। तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने गवर्नमेंट ने की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चार्ज ना लें, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउंग द कॉरपोरेट वुड एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को ओरिएंट करने के लिए कम से कम ग्रेजुएट स्पेसिफिक स्किल्स को भी डेवलप किया उन्होंने, तो ये तो हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। एक और है, तो इसमें क्या था, एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपको पता है, इट इज़ नॉट एंड विद द ग्रेजुएशन, केवल ग्रेजुएशन करके ही हम नहीं बैठ सकते हैं, उसके आगे की भी हायर स्टडीज हैं, ठीक है। सो दैट द सिस्टम ऑल्सो कीप्स ऑन द चेंजिंग एंड द नेशन ग्रोथ, तो जितना हायर एजुकेशन, यानी कि हमारे देश के जो युवा हैं वो जितना हायर एजुकेशन को गेन करेंगे हमारा देश भी उतना ग्रो करेगा, है ना, उसकी एडवांसमेंट इतनी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वो हायर स्टडीज़ में रिसर्च करके अपनी बेटर, अपनी रिसर्च के माध्यम से अपनी कंट्री के लिए कुछ तो बेटर करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, क्या है,
निगेटिव इम्पैक्ट देखिए क्या है, FDI इन द एनी फील्ड डज नॉट हैव द अटैच्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द, वही चीज़ है कि उन्होंने मतलब निगेटिव इम्पैक्ट में ये चीज़ें आ गई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बने थे ठीक है उनको गवर्नमेंट ने मतलब अकोमोडेट नहीं किया कि आप क्या फीस लेंगे इस कास्ट के लिए, और मतलब जो लोअर कास्ट है या जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या माइनॉरिटी सेक्शन है उनके लिए कोई फीस का डिसीजन नहीं लिया, और स्कूल ने अपने आप से प्रॉफिट किया, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, उनको तो पैसे कमाने से मतलब था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये निगेटिव इम्पैक्ट था। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड इन हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास ही मतलब एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो फंड बहुत कम था, एंड दे आर नॉट मैनी वेज ठीक है, उनके पास बहुत सारे रास्ते भी नहीं थे कि इस चीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट था एक तो ये भी ड्रॉबैक हो गया निगेटिव इम्पैक्ट, देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ फेक इंस्टीट्यूट, और उसी के चक्कर में स्कूल खोलने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने स्कूल खोल लिया, तो उसमें मतलब मान लीजिए कुछ स्कूलों ने मान्यता रिकॉग्नाइजेशन करा लिया, लेकिन कुछ स्कूल फेक इंस्टीट्यूट भी हो गए, कुछ फेक इंस्टीट्यूट खुल गए जिन्होंने बच्चों का एडमिशन देकर धोखा दिया, उनसे फीस भी ली और बाद में पेनल्टी भी नहीं दी, तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी, तो ये भी एक ड्रॉबैक था जो इंडियन गवर्नमेंट को समझना था। करप्शन इज रेमानेंट, आपको पता है कि इंडिया में करप्शन परमानेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि पॉलिटिकल लीडर अपने आप में ही बिजी रहें। नाउ स्टूडेंट एंड लोकल इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो द सिमिलरली, देखिए जो अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूट थे या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी तो वो भी रेगुलर हो गई ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि उन्होंने मतलब अपने आप को केवल खोल के रखा था पेपर पे, लेकिन वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे थे, है ना, स्कूल तो बहुत सारे खुल गए थे लेकिन फंक्शनिंग बहुत कम से स्कूल कर रहे थे, तो एक ड्रॉबैक था। द इंटरनेशनल हायर एजुकेशन इज अ अनरेगुलेटर, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए हायर एजुकेशन तो उसकी मार्केट भी एक तरीके से अनरेगुलर हो गई, अनरेगुलर का मतलब हो गया कि झोला भर भर के स्कूल खुल गए जैसे मतलब फ्री में बट रही हैं, तो वो चीज़ें खुल गई बट क्वालिटी धीरे धीरे आकर खत्म हो गई। लोकल इंस्टीट्यूट विच हैव द लिमिटेड कैपिटल विल नॉट एबल टू सर्वाइव रैंडिंग मैनी फॉबलेस, ठीक है, तो लोकल इंस्टीट्यूट खुल तो गए ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग भी क्या थे, जॉबलेस थे। प्राइवेट फर्म्स यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लिबरलाइजेशन टू कन्वर्ट द एजुकेशन इन टू द बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता था कि देखिए शिक्षा उस तरीके से दी जाए कि लोग उसको जॉब में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि उसको लाइबरल तरीके से शिक्षा को कन्वर्ट करने के लिए बिजनेस में आ जाए, स्टॉक मार्केट हो गया, अमाउंट हो गया, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात बहुत कम लोगों ने की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो हो गया। तो ये जो लिबरलाइजेशन आया वो किस किस सेक्टर में आया, थोड़ा सा आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, हमारा फाइनेंस एरिया हो गया, टैक्स एरिया हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब चेंज हुई ना तो हमारी कंट्री को बहुत सारा इसका लाभ भी हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए लिबरलाइजेशन को भी लाना जरूरी था ठीक है। प्रॉफिट के साथ लॉस हुआ, तो लॉस अगर हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो रहा है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आने से भी शिक्षा को सुधार हुआ, नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है लेकिन सुधार भी हुआ ठीक है। बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो गया, अभी की बात करेंगे टैक्स सिस्टम बहुत इंप्रूव हो गया, पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे बट अभी प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करते हैं क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, और आज की डेट में देखा जाए तो GST भी इंक्लूड हो गया, तो जो कि बहुत अच्छा है इकोनॉमिक एजुकेशन पर्पज से ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, फॉरेन ट्रेड आ गया, तो उससे भी प्रॉफिट हुआ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दैट इज मोर ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन, आपको लिबरलाइजेशन में कुछ भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये जो BEd डेली क्लासेस चल रही हैं ये आगे जाकर भी कंटिन्यू रहें, और BEd के रिलेटेड में कुछ अच्छा करने की कोशिश की जा रही है तो और अच्छा बेटर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके प्यार सपोर्ट्स की और लाइक की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरी है, तभी मेरा वीडियो लोगों तक पहुँचेगा और वो लोगों तक पहुँचेगा तो वो देखेंगे, तो देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है। ये टॉपिक था आज का, लिबरलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।